वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की बतौर वफाक वज़ीर मुद्दत आज ख़त्म हो जाएगी। वफाक हुकूमत का शौकत तरीन को मुशीर बनाने का फैसला। वज़ीर आज़म जल्द शौकत तरीन को बतौर मुशीर ख़ज़ाना तायुनाती की मंजूरी देंगे। अवैस कयानी से तफसीला जान रहे हैं, अवैस बताइएगा। जी बिल्कुल, शौकत तरीन की बतौर वफाकी वजीर मुद्दत आज खत्म हो रही है। वफाकी हुकूमत में शौकत तरीन को मुशीर बनाने का फैसला किया गया है। शौकत तरीन बतौर मुशीर खजाना जिम्मेदारियां जो है वो जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शौकत तरीन की बतौर मुशीर तैनाती की मंजूरी देंगे। इसहाक़ डार की नशीत पर जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस इतलाक ना होने की वजह से शौकत तरीन सेनेटर नहीं बन सके और वफाकी हुकूमत ने इसहाक़ डार की नशीत पर सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रखा है और शौकत तरीन को 6 माह के लिए वफाकी वजीर बनाया गया था। आइन के मुताबिक 6 माह के दौरान जो है रुकने पार्लियामेंट ना बनने की सूरत में ओहदा जो है वो छोड़ना लाजमी होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, शौकत तरीन की बतौर वफाकी वजीर मुद्दत आज खत्म हो रही है। वफाकी हुकूमत में शौकत तरीन को मुशीर बनाने का फैसला किया गया है। शौकत तरीन बतौर मुशीर खजाना जिम्मेदारियां जो है वो जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शौकत तरीन की बतौर मुशीर तैनाती की मंजूरी देंगे। इसहाक़ डार की नशीत पर जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस इतलाक ना होने की वजह से शौकत तरीन सेनेटर नहीं बन सके और वफाकी हुकूमत ने इसहाक़ डार की नशीत पर सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रखा है और शौकत तरीन को 6 माह के लिए वफाकी वजीर बनाया गया था। आइन के मुताबिक 6 माह के दौरान जो है रुकने पार्लियामेंट ना बनने की सूरत में ओहदा जो है वो छोड़ना लाजमी होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।